हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद भारमल आपका फिर से वेलकम करता हूं मोहम्मदी कंप्यूटर्स की चैनल में। अभी जो आप देख रहे हैं वीडियोस वो है यूनिक्स शेल स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे chmod चेंज मोड, मतलब कि चेंजिंग द परमिशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। उस कमांड के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी फाइल या परमिशन की अगर आप परमिशन चेंज करना चाहते हैं, परमिशन माने कि अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की है यूनिक्स में या फिर लिनक्स में या फिर डायरेक्टरी आपने क्रिएट की हुई है, तो आपके अलावा दूसरा कोई भी यूजर उसे एक्सेस कर पाए या नहीं कर पाए तो आखिर किस तरह से वो कर पाएगा, उस परमिशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए chmod कमांड इस्तेमाल किया जाता है। प्रीवियस जो कुछ भी वीडियो था, जिसमें एक वीडियो में मैंने ls कमांड ऑलरेडी समझा दिया है। मैंने आपको जो फर्स्ट कॉलम आती है ls माइनस l की, यहाँ पे d जहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह एक्सेप्ट 3 रिकॉर्ड्स एग्जाम्पल डॉट डेस्कटॉप, f1 और f4। दिस आर द फाइल्स, r फॉर रीड परमिशन, w फॉर राइट परमिशन एंड x फॉर एग्जीक्यूट परमिशन। फर्स्ट 3 आर फॉर द यूजर, मतलब कि जिसने आप फाइल बनाई है वो, मतलब कि हम खुद। नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर माइनस एक्स रीड परमिशन, नॉट राइट परमिशन, एक्स मतलब एग्जीक्यूट फॉर द सेम ग्रुप ऑफ द यूजर। मान लीजिए आप मॉर्निंग ग्रुप में है, दूसरा ग्रुप आफ्टरनून ग्रुप में है, तो मॉर्निंग ग्रुप के आपके अलावा जितने भी यूजर्स है, यूजर अदर देन you in the same group will able to read the content of the directory or the file. Next last 3 जो alphabets है r minus x, जे आफ्टरनून ग्रुप आप मॉर्निंग ग्रुप में है। अब आप आफ्टरनून ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो आफ्टरनून ग्रुप में भी यूजर जो कुछ भी है फाइल को रीड कर पाएंगे, डायरेक्टरी को रीड कर पाएंगे और उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने राइट परमिशन नहीं दी है। अगर उसमें कोई भी शेल स्क्रिप्ट है, कोई शेल स्क्रिप्ट डिटेल में भी हम वहां तक आए नहीं है। अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें छोटे छोटे कमांड्स हमने सब इकट्ठा लिखे हुए हैं तो उसे शेल स्क्रिप्ट बोला जाता है। ऐसी कोई sh फाइल है तो वो अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो भी यूजर एग्जीक्यूट कर पाएगा। फर्स्ट 3 फॉर द ओनर, नेक्स्ट 3 फॉर द ओनर्स ग्रुप एंड लास्ट 3 ग्रुप अदर देन ओनर्स ग्रुप। आपका मॉर्निंग ग्रुप है, दूसरा ग्रुप आफ्टरनून का है और आप खुद है। 3 चीज इसमें आती है। फर्स्ट 3 हमारे खुद के लिए, नेक्स्ट 3 हमारे ग्रुप के लिए और नेक्स्ट 3 हमारे ग्रुप के अलावा दूसरे कुछ भी ग्रुप है या यूजर है तो उसके लिए। तो चेंजिंग परमिशन 2 टाइप से होती है। जो एक्चुअल हमारा कमांड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। chmod कमांड जो है वो 2 टाइप से आप परमिशन चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट परमिशन मेथड इज अ सिंबॉलिक मेथड एंड अनदर इज द एब्सोल्यूट मेथड। सिंबॉलिक मोड एक आसान तरीका है फॉर द वेरी बिगिनर यूजर्स, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। U अल्फाबेट उसमें आएगा फॉर द यूजर, G अल्फाबेट फॉर द ग्रुप, O अल्फाबेट फॉर द अदर्स, हमारे ग्रुप के अलावा दूसरा ग्रुप जो कुछ भी होता है वो, और A अल्फाबेट फॉर द ऑल, प्लस साइन for adding the permission, minus sign for the removing the permission and equal to sign for designated permission। पुरानी जो कुछ भी है वो निकाल दीजिए, अभी जो मैंने कहा है वो परमिशन दीजिए, वो equal to sign में ऐसा कुछ होगा। R for the read permission, W for the write permission and X for the execute permission। इतने symbols उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ एन F1 में। यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास जो मैंने फाइल क्रिएट की है उसमें रीड परमिशन भी अवेलेबल है, राइट परमिशन भी अवेलेबल है, लेकिन एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें कोई शेल स्क्रिप्ट कमांड मैंने लिखा हुआ है और उसे मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे खुद को सबसे पहले तो एग्जीक्यूट परमिशन देने की होगी। तो कैसे देंगे? chmod यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा U फॉर द यूजर, मतलब कि हम खुद, प्लस मतलब कि परमिशन देना है। अब कौन सी परमिशन आपको देना है? एग्जीक्यूट की परमिशन देना है तो इसलिए एक्स, किस पे देना है, तो F1 जो है उस पे देना है। यहाँ पे एंटर देगा, देने के बाद हम माइनस एल फिर से लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पे आप एक्स एक्स्ट्रा देख पाएंगे। ये था फाइल्स पे फॉर आवर ओन, जो फाइल हमने खुद बनाई है उस पे। अब किसी और को परमिशन देनी है, मान लीजिए हमारा जो मॉर्निंग ग्रुप है उसे भी हमें परमिशन देनी है, तो ग्रुप का था यहाँ पे जी लिखेंगे प्लस साइन परमिशन देने के लिए। कौन सी परमिशन देनी है, रीड की भी देनी है, राइट की भी देनी है और एग्जीक्यूट की देनी है। रीड की तो ऑलरेडी उन लोगों के पास है ही। अब जो बचा है वो है डब्ल्यू और एक्स। किस पे देना है, तो F1 पे देना है। एंटर दीजिए, ls माइनस एल कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो परमिशन ऐड हो गई। अब परमिशन हमें ले लेनी है, परमिशन नहीं देनी है कि हमारे ग्रुप अलावा कोई दूसरा यूजर इस फाइल को देख नहीं पाए। यहाँ पे chmod पे अदर्स, हमारे ग्रुप अलावा दूसरा कोई भी ग्रुप है तो अदर्स परमिशन ले लेनी है हमें, इसलिए माइनस। किस को कौन सी परमिशन ले लेनी है हमें, आर परमिशन, उनके पास सिर्फ आर ही है। यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है मतलब के उन लोगों के पास राइट परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल नहीं है। किस पे से ले लेनी है, F1 फाइल पे से ले लेनी है हमें। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे ग्रुप अलावा दूसरा कोई भी यूजर, हमारा ग्रुप मान लीजिए मॉर्निंग का है और आफ्टरनून ग्रुप का कोई भी यूजर यहाँ पे लॉग इन हो रहा है और एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब ऐसा कुछ करना है कि हमारे अलावा किसी और को कुछ परमिशन होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं chmod g माइनस rwx और F1। यहाँ पे आप फिर से ls माइनस एल लिखे। देखिए हमारे ग्रुप में भी कोई भी अगर यूजर इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस कर नहीं पाएगा। अब जो इक्वल टू साइन बच गई है, इक्वल टू साइन मतलब कि पुरानी जो कुछ भी परमिशन है वो निकाल दीजिए, नई परमिशन हमें देने की है। तो यहाँ पे chmod जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो यूजर लिख डालूंगा, माइनस पे मैं इक्वल टू लिख डालूंगा और यहाँ पे सिर्फ आर। हमारे पास रीड की भी है, राइट की भी है और एग्जीक्यूट की भी है। एंटर दिया मैंने, फिर से ls माइनस एल कीजिए। देखिए इक्वल टू में किया हुआ पुरानी पहले निकाल दी, रीड की निकाल दी, राइट की निकाल दी, एग्जीक्यूट की भी परमिशन निकाल दी और बाद में नए फ्रॉम रीड की परमिशन उसने यूनिक्स ने फिर से उसे एलोकेट की थी। यू जी ओ प्लस माइनस इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स। तो इस तरह आप सिंबॉलिक से भी परमिशन दे सकते हैं। जो दूसरी मेथड है एब्सोल्यूट मेथड, उसमें क्या होता है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू पास ऑन करने की होती है, उसमें नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 3 डिजिट नंबर कंपलसरी है। फर्स्ट डिजिट विल बी फॉर द ओनर्स, सेकंड डिजिट फॉर द ओनर्स ग्रुप एंड थर्ड डिजिट फॉर द ग्रुप अदर देन ओनर्स ग्रुप। 3 डिजिट मान लीजिए कि आपने 1 1 1 2 3 लिखा, तो 1 हमारे खुद के लिए होगा, 2 हमारे ग्रुप के लिए होगा और 3 हमारे ग्रुप के अलावा दूसरे कोई भी यूजर है उसके लिए होगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट आखिर कौन से लिखने हैं आपको। 3 डिजिट आप कोई भी 1 2 3 4 5 6 रैंडम ऑर्डर्स में नहीं लिख सकते, उसका एक प्रॉपर मेथड है। 4 फॉर द रीड होगा, 2 फॉर द राइट होगा और 1 फॉर द एग्जीक्यूट होगा। अब हमें हमारे ग्रुप को रीड की और राइट की दोनों परमिशन अगर हमें देनी है, तो रीड का मैंने 4 बोला, राइट का मैंने 2 बोला, 4 प्लस 2 होगा 6। हमारे ग्रुप की ये बात हुई, मतलब कि डिजिट नंबर 2 जो 3 डिजिट का नंबर लिखना है हमें, उसमें डिजिट नंबर 2 की बात हुई। हमारे ग्रुप के अलावा दूसरा कोई भी ग्रुप है उनको सिर्फ हमें रीड की परमिशन देनी है, तो उसका नंबर है 4, तो हमारा ग्रुप का नंबर आया 6। हमारे ग्रुप के अलावा दूसरा कोई भी ग्रुप है उसका नंबर आया 4 और हमारे पास हमारी फाइल की फुल परमिशन होनी चाहिए, रीड की भी, राइट की और एग्जीक्यूट की। रीड का है 4, राइट का है 2 और एग्जीक्यूट का है 1, 4 +2 +1 7। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे chmod। मेरी फाइल की मेरे पास फुल परमिशन होनी चाहिए, इसके लिए 7। मेरे ग्रुप के पास रीड की और राइट की दोनों परमिशन होनी चाहिए, मतलब के 6 4 + 2, रीड का 4 राइट का 2। और मेरे ग्रुप के अलावा दूसरा कोई भी अगर यूजर लॉगिन हो रहा है और एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास सिर्फ रीड परमिशन होनी चाहिए, उसके लिए रीड का 4। अब कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो F1 के बारे में। तो यहाँ पे ls -l अगर हम फिर से लिखेंगे तो यहाँ पे आप चेंजेस देख पाएंगे इस पर्टिकुलर रो में। rwx, rw और r ये चेंज हो गया है। अब जहां पे मैंने फाइल नेम लिखा हुआ है वहां पे ही अगर आप डायरेक्टरी नेम लिख डालेंगे तो ठीक, पर वही मेथड से आप डायरेक्टरी पे भी परमिशन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज बनाई हुई है dir1, dir2 और dir3। सभी के पास सभी परमिशन होनी चाहिए, सभी के पास सभी परमिशन होनी चाहिए। तो पहले जो हमने सिंबॉलिक इस्तेमाल किया था उस मेथड से अगर हम करेंगे तो a फॉर ऑल है, इक्वल टू पुराने निकाल दीजिए, नई परमिशन दीजिए। rwx सभी परमिशन होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्टरी और कौन सी फाइल पे तो dir1 पे। अब ls -l अगर आप कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी परमिशन सभी के पास हो गई है। अब सिंबॉलिक पे अगर हमें वर्कआउट करना है तो हमारी डायरेक्टरी पे हमारी खुद की ही परमिशन होनी चाहिए, दूसरा कोई उसे एक्सेस कर पाए नहीं। ऐसा कुछ हमें अगर करना है तो कैसे करेंगे, ट्राई आउट करते हैं। chmod में सिंबॉलिक में हमारे पास फुल परमिशन होनी चाहिए 7 फॉर द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, 0 and 0 ऑन विच फाइल और डायरेक्टरी, ऑन डायरेक्टरी 2। अब फिर से ls -l कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह पे यहाँ पे चेंजेस आप देख सकते हैं, rx निकल गया और यहाँ पे भी rx निकल गया था। तो ये थी चेंजिंग द परमिशन ऑन द फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप डिफॉल्ट परमिशन चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि यूनिक्स में जब भी आप फाइल क्रिएट करते हैं या फोल्डर क्रिएट करते हैं, मतलब कि डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, यूनिक्स का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो एक फिक्स परमिशन दे देता है। जो आपको बताता हूँ क्या, मैं जैसे कि मैं अभी कैट कमांड लिख के एक छोटी सी फाइल बनाता हूँ, F3, F2 नहीं है और एंटर दीजिए। यहाँ पे एक फाइल बनाई मैंने। अब यहाँ पे ls -l कीजिए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डिफॉल्ट परमिशन क्या हुई, rw -r 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 -। ये डिफॉल्ट परमिशन हुई। अगर ये आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही डायरेक्टरी की जो डिफॉल्ट परमिशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन टू द dir3, rwx, r-x और r-x। अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी एक स्पेशल कमांड आता है, वो आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। व्हाइल क्रिएटिंग इटसेल्फ इफ यू वांट टू चेंज एनी परमिशन यू कैन डू दैट, बट वी विल डिस्कस इट लेटर वीडियोस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कुछ भी पसंद नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।